वन मंडल धर्मजयगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र कापू में वन मंडल अधिकारी IFS अभिषेक जोगावत के कुशल मार्गदर्शन एवं रेंज अफसर AS किंडो के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र कापू मैनपाट के सरहदी इलाका सरभंजा में वन मितान कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बता दें, वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव समेत वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार गण, समाज सेवी आदि शामिल हुए। कार्यक्रम में वन एवं मानव शीर्षक पर निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के ग्रामीण छात्र छात्राओं को विभाग की ओर से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही उन्हें वन परिक्षेत्र अधिकारी आत्मासाय किंडो द्वारा जंगल का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया, जिसमें विभाग द्वारा जंगल में किए गए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। जंगल का मानव जीवन पर महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को पेड़ पौधे लगाने व उनका संरक्षण करने हेतु प्रेरित किया गया। जी सर, आज का कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त। आज दिनांक 12/11/2022 को कापू रेंज के सरिया सर्किल में BTA आपका कुमरता पश्चिम है, कक्ष क्रमांक RF 7 लिम्बुनेहा नाला के पास में वन मितान जागृति कार्यक्रम शिविर आयोजित किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जंगल क्षेत्र से 5 किलोमीटर दायरे में जो स्कूल संचालित है, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, वहाँ के बच्चों को चयन करके संकुल के आधार पे एक प्रशिक्षण में कम से कम 60 बच्चों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए वन मितान, उन्हें जंगल से अपनी दोस्ती और जंगल पर क्या निर्भरता है, और जंगल और वन्य प्राणी और मानव के संबंध में इनको बताया गया कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ शासन की जो विकास कार्य चल रही है, जैसे यहाँ पर नरवा विकास कार्य के अंतर्गत लिमरू एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र में नरवा विकास मनतेहा नाला के नाम से जो संचालित है कार्य, मौका में बच्चों को और जनप्रतिनिधियों को और शिक्षकों को कार्य को दिखा के भ्रमण करा के कार्य दिखाया गया और उससे जो फायदा होना है और उस कार्य का उद्देश्य सब बताया गया। और भ्रमण करने के बाद में आखिरी में आकर के यहाँ मनतेहा नाला डैम के पास इनका ये बैठक रखेगी, जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर रामेश्वर सर जरदो रिटायर प्रधान पाठक हैं, वो धर्मजयगढ़ से आए थे, जिन्होंने प्रशिक्षण दिए। ये कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है आज के बच्चे कल के भविष्य, जो बच्चों को प्रशिक्षित करना है, ट्रेन करना है कि जंगल और ये वन्य प्राणी के साथ क्या तुलनात्मक और मानव के जीवन में क्या निर्भरता होती है और वनों से क्या उनको फायदा होती है, ये इसके बारे में बच्चों को जागृत करना है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम से? मैं मैसेज देना चाहूँगा, जंगल को जो बचाने के लिए जो तो प्राकृतिक रूप से लगा है, लेकिन मैं ये संदेश दूंगा कि हर किसान या हर बच्चे, बुजुर्ग सभी साल में कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसको सुरक्षित करें, और जो प्राकृतिक रूप से लगा है वो जंगल का तो सुरक्षा साथ में करना ही है। वन मंडल धर्मजयगढ़ अंतर्गत कापू रेंज के अंतर्गत वन मितान जागृति शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रेंजर AS किंडो साहब की अगुवाई में बच्चों को, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनाम भी वितरण किया गया। इसके साथ ही उन्हें विजिट भी कराया गया, जो अभी वर्तमान में विकास कार्य हुए हैं नरवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई। और यहाँ आकर बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखी गई और जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ अपना अमूल्य समय दिया, और कुल मिलाकर आज के ये कार्यक्रम बहुत सक्सेस हुआ। और किंडो साहब से हमने बात की, रेंजर साहब से, उन्होंने यही संदेश दिया कि हमें हर परिस्थिति में जंगल की रक्षा करनी है, क्योंकि जंगल से ही जीवन है और जंगल है तो जीवन है, इसलिए जंगल की सुरक्षा बहुत ही अनिवार्य है। कैमरा पर्सन के साथ असलम खान, समय न्यूज़।
कार्यक्रम में प्रशिक्षण अधिकारी सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक चौहान धर्मजय गढ़ ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े वन मितान कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। अन्य संकुलों से आए हुए शिक्षकों तथा ग्राम सरपंच सचिव ने भी वन मितान कार्यक्रम के संबंध में अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन वन परिक्षेत्र अधिकारी आत्मसहाय किंडो ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में कापू रेंज के डिप्टी रेंजर वनपाल बी गार्ड आदि की भूमिका भी सराहनीय रही। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।